नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। ये हमारा बर्थडे सीरीज है। हैप्पी 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 बर्थडे टू ऑल माय फ्रेंड्स हु आर बॉर्न ऑन द 16th of April। लेट्स सी ये साल आपके लिए कैसा होगा। वंस अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग फॉर द जनरल कलेक्टिव। आर्क एंजल माइकल, माई गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द यूनिवर्स, प्लीज़ गिव अस द एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाइस्ट गुड फॉर माई फ्रेंड्स हु हैव देयर बर्थडेज ऑन द 16th of April। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। एक कार्ड है, ये मैसेज जो है वो साल भर के लिए आपको आप यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव मैसेज है जो आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस सॉरी कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर देगा। ठीक है, वन मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माई फ्रेंड्स हु हैव देयर बर्थडेज ऑन द 16th of April। ओके, ईजी डज इट। ठीक है, स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड टू कंट्रोल एवरी थिंग एंड ऑल द डोर्स विल ओपन फॉर यू। तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहता है कि प्लीज़ रिलैक्स हो। हर चीज़ में आपको ही हर चीज़ करनी है, ऐसा नहीं है। स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड टू कंट्रोल एवरी थिंग। हर चीज़ को कंट्रोल ना करें, थोड़ा रिलैक्स हो एंड अपने आप जो दरवाजे हैं आपके लिए खुलेंगे। तो आपके लिए मैसेज है, ईजी डज इट। स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरी थिंग। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, अच्छा मैसेज है। आई थिंक जितना आप हर चीज़ को माइक्रो मैनेज करोगे, जितना आप हर चीज़ को कंट्रोल करोगे, आई थिंक उतना ही आपकी स्ट्रेस बढ़ती है, उतना ही आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है, उतना ही आई थिंक आपको टेंशन भी आता है जब आपको लगता है कि हर चीज़ आपको ही करनी है। तो डिवाइन कह रहा है कि ये साल प्लीज़ थोड़ा सा वहाँ पे आप रिलैक्स रहिए। ओवरऑल एनर्जी फॉर माय फ्रेंड्स बॉर्न ऑन द 16th of April क्या है, लेट्स सी। ओके, यू हैव द हायरोफेंट व्हिच इज डिवाइन गाइडेंस। ओके, इन लव यू हैव द नाइन ऑफ गैब्रियल्स व्हिच इज द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एंड इन करियर एंड फाइनेंस यू हैव द किंग ऑफ माइकल। ठीक है, किंग ऑफ सोर्स। ऑल राइट, तो आई थिंक ये जो पूरा साल है फॉर माई फ्रेंड्स हुआ बॉर्न ऑन द 16th of April, ओवरऑल एनर्जी है कि आपको कुछ ना कुछ सीखना है, आपके अंदर ऐसे चेंजेस लाने हैं जो आपको एक हेल्दी लाइफ की तरफ लीड करेगा। जो चीज़ें आपकी कंट्रोल के बाहर हैं आप उनके बारे में सोचना छोड़ दें। इट इज़ अ ईयर ऑफ सेल्फ लर्निंग, इट इज़ अ ईयर ऑफ सेल्फ टीचिंग, इट इज़ अ ईयर ऑफ एजुकेटिंग योर सेल्फ। या तो स्पिरिचुअली आपको कुछ सीखना है, या आपकी बिजनेस जॉब करियर के लिए अगर आपको कुछ कुछ सीखना है जिससे आपका करियर बढ़ सकता है, बिजनेस बढ़ सकता है, तो मे बी वो भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है इट इज़ द नंबर ऑफ यू नो द हायरोफेंट इज़ ऑल अबाउट टीचिंग, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लर्निंग। मे बी सम ऑफ यूल कुड बी अ टीचर ऑल्सो। द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योर सेल्फ विद वाइज टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो ये साल आपके लिए स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छा होगा। यू विल स्पिरिचुअली आप थोड़ा सा आपका जो लेवल है वो बढ़ाएंगे। जो चीज़ें आपको इन द पास्ट जो चीज़ें आप कर रहे थे और अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो डिवाइन कहता है कि आप उनको अलग ढंग से करने की कोशिश करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लव में आई थिंक थोड़ा सा आपको बर्डन लग रहा है। ये साल आई थिंक जो मेरे फ्रेंड्स एंड अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू रेजोनेट विद एवरी वन, बट आई थिंक आपको ऐसे लग रहा है कि या तो आप एक शादी में हैं जिसमें आप खुश नहीं हैं और आपको थोड़ा उसका बर्डन लग रहा है कि अनहैप्पी है लेकिन शादी में जाना है। मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि कुछ ना कुछ टेंशन है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा हिम्मत ना हारे, स्टे डिटरमिंड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। जो भी है आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। बिजनेस करियर और फाइनेंस के लिए आपके पास है द किंग ऑफ माइकल्स है, जिसका मतलब है कि आप
जो भी आपके बिजनेस, जो आप डिसीजंस लेंगे वो आप बहुत प्रैक्टिकली लेंगे, एंड इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस या करियर डिसीजंस ये साल आपकी आपके सामने आएंगे। तो आपको बस यही करना है कि दिमाग से सोचना है, ऑब्जेक्टिवली सोचना है, एंड ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन रखनी है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पे मे बी चीज़ें आपको सही नहीं लग रही हैं, लेकिन आपको सच्चाई की तरफ जाना है, ओपन कम्युनिकेशन करनी है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करनी है, एंड आपके दिमाग से सोच के डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो आई थिंक ऑल एंड ऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इट इज़ गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ यू नो लेटिंग गो ऑफ थिंग्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एंड बिजनेस में ऑफकोर्स आई थिंक आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होंगे जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई, फोकस यू नो वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू विल गेट। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।